वेलकम टू बाइक स्कूल सांचो यूट्यूब चैनल। वेल गाइस, तो देखिए हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 2 में मेथड्स ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल को वैल्यूएट करने के मेथड्स। तो देखिए गाइस, आपने देखा था, हमने कहा 5 मेथड्स है बेसिकली, जिसमें जो पहला मेथड है ईयर्स परचेज मेथड, यानी वर्षों की क्रय विधि, जिसको हम कल विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो आज हम हमारे बाकी के जो मेथड्स हैं गुडविल के, उसको बेसिकली समझते हैं। देखिए मैंने लिखा सेकंड मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो देखिए पूंजीकरण विधि बेसिकली, पूंजीकरण विधि में क्या किया जाता है, हमारे फर्म के जो भी लाभ हैं उन लाभों का पूंजीकृत मूल्य ज्ञात किया जाता है, और उन पूंजीकृत मूल्य के बेसिस पे फिर हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। देखिए गाइस, पूंजीकरण विधि के अंदर भी हम दो आधारों पे गुडविल को ज्ञात करते हैं, एक औसत आधार यानी एवरेज बेस, और दूसरा सुपर प्रॉफिट यानी कि अधिलाभ आधार। तो पहले हम बात करते हैं हमारे एवरेज बेस की, जिसे हम कहेंगे औसत लाभों की पूंजीकरण विधि। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ खास इसमें है नहीं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे फॉर्म की जो भी प्रॉफिट्स है उन प्रॉफिट का हम क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा एवरेज प्रॉफिट, यानी बेसिकली हमारा जो प्रॉफिट है उसका एवरेज हम लेंगे, इनटू 100 अपॉन NRR। NRR मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य प्रत्यय की दर। तो देखिए गाइस, इस फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। और जब हमारे पास वैल्यू ऑफ प्रॉफिट आ जाएगी, उसमें से अगर मैं मेरे बिजनेस में लगी हुई कैपिटल एम्प्लॉयड को, विनियोजित पूंजी को अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगी गुडविल। तो देखिए गुडविल इक्वल टू, हमने लिखा जो कैपिटलाइज वैल्यू आपने यहाँ कैलकुलेट की उसमें से हम माइनस कर रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को, विनियोजित पूंजी को। तो सिंपली हमारे कैपिटलाइजेशन मेथड के जो फर्स्ट पार्ट है एवरेज बेस, उसके अंदर ही दो बेसिकली सूत्र आपके माइंड में, दो फॉर्मूला आपके माइंड में होने चाहिए। अब देखिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो मैंने लिखा एक फर्म के औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, औसत लाभ है 15,000, ठीक बात है। फर्म की विनियोजित पूंजी, गाइस क्वेश्चन में आपको बताया है कि प्रश्न में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, विनियोजित पूंजी है वो कितनी है, तो वो है 1,00,000 रुपए। सामान्य प्रत्यय की दर यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, गाइस आपको दे रखी है क्वेश्चन में 10% पर एनम, 10% वार्षिक। आगे क्वेश्चन कहता है पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि ज्ञात करिए। तो बेसिकली हमको क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है, किस मेथड से, पूंजीकरण विधि से, यानी हमारी कैपिटलाइजेशन मेथड से। और जिसमें बेसिकली हम बेस क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है। देखिए हमारा तरीका क्या है, एवरेज प्रॉफिट आपको 15,000 दे रखा है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड 1,00,000 दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके पास 10% है। तो देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन में कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने चाहूँ तो मुझे क्या क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट गिवन 100, ओके NRR गिवन, यानी कि मैं ये कह दूँ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, हमारे प्रॉफिट का पूंजीकृत मूल्य क्या है। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट 15% अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% इनटू 100। मैंने देखिए यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी इस फॉर्मूले को यहाँ लिख रखा है। आप जब भी क्वेश्चन करेंगे आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए ये से जीरो कट हो गया और ये हो गया 1,50,000। कहने का मतलब है 1,50,000 रुपये, ये क्या है, ये 1,50,000 रुपये जो है ये हमारा कैपिटलाइज वैल्यू है प्रॉफिट की। वेल गाइस, आगे हम बात करते हैं देखिए गुडविल की। तो गुडविल का फॉर्मूला हमने कहा जो भी हमारी कैपिटलाइज वैल्यू है प्रॉफिट की उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मैं घटा दूं। तो देखिए हम लिख लेते हैं गुडविल इज इक्वल टू, बेसिकली हमको कैलकुलेट ख्याति करनी है, तो ख्याति बराबर जो हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट है 150 माइनस ये पूंजीकृत, देखिए पूंजीकृत मूल्य है किसका, लाभों का। इस पूंजीकृत मूल्य में से अगर मैं मेरी विनियोजित पूंजी यानी कि 1,00,000 रुपए को घटा देती हूँ तो इसके ऊपर का जो भी डिफरेंस है वो
गुडविल की अमाउंट है। तो इस तरीके से कैपिटलाइज की जो पहला पोर्शन है हमारा एवरेज बेस, उसमें हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। वेल गाइस, तो देखिए हम अब बात कर रहे हैं हमारे कैपिटलाइजेशन मेथड का जो सेकंड बेस है, यानी कि अधिलाभों की पूंजीगत वृद्धि। कहने का मतलब है सुपर प्रॉफिट बेस जिसकी हम बात कर रहे थे उसमें गुडविल के वैल्यूएशन की। तो देखिए गाइस, बेसिकली गुडविल का उसमें देखिए हम क्या करते हैं, हम हमारे फर्म का जो सुपर प्रॉफिट है, जो हमने कल भी देखा था सुपर प्रॉफिट, तो देखिए उसके बेसिस पे हम किस तरीके से गुडविल को देखेंगे। मैंने फॉर्मूला लिखा है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटे NRR, यानी हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिए गाइस, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR ये तो ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको सुपर प्रॉफिट का जो मीनिंग है, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पता होना बेहद जरूरी है। हालांकि आप कल उसको देख चुके हैं, कल सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा दूँ आपको। सुपर प्रॉफिट का मतलब था हमारी फर्म का जो भी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, जो दोनों का डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही क्या है, वो डिफरेंस ही हमारी फर्म का सुपर प्रॉफिट है। ओके, अब बात आती है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। तो नॉर्मल प्रॉफिट सीधी सी बात है, हमारे बिजनेस में जो भी कैपिटल हमने लगा रखी है उस कैपिटल पर जो नॉर्मल रेट से हमको रिटर्न मिलता है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वही हमारा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। तो बेसिकली दो तीन फॉर्मूला आपके माइंड में होने चाहिए और फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि। तो देखिए गाइस, एक एग्जांपल लिया मैंने, एक फर्म की विनियोजित पूंजी एक फर्म की विनियोजित पूंजी कितनी है, 3 लाख रुपए। ओके, सामान्य प्रत्यय की दर, यानी कि गाइस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि मेरे बिजनेस में नॉर्मली किस रेट से मुझे रिटर्न मिलता है, किस रेट से प्रॉफिट है, वो मैं लिखा 10% वार्षिक 10% पर आएगी। ओके, फर्म की वास्तविक औसत लाभ, जो हम बात कर रहे थे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की, वो क्वेश्चन में आपको बताया कि वास्तविक औसत लाभ 50,000 है। बेसिकली 12th लेवल पे इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। देखो, अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि ज्ञात करिए। चलिए ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला हमारे माइंड में सेट है, डेटा आपको मोस्टली गिवन है। अब हम बात करते हैं कि हमें हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। NRR गिवन आपके क्वेश्चन में, ठीक है 100 हम कर लेंगे। दिक्कत है सुपर प्रॉफिट कहाँ से लेके आए, तो देखिए सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपके माइंड में होना चाहिए सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट होता है हमारे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस। तो क्या हमारे क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन है, यस है। सेकंड, क्या हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट है, नहीं नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। तो नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करिए, और नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल लगा रखी है हमने और उस पर किस रेट से हमको रिटर्न मिलता है। तो देखिए मैं लिख रही हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। गाइस फॉर्मूले मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, इसीलिए मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 3 लाख। ओके, इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि है 10%। यानी कि कहने का मतलब है हमारा जो 10% का रेट, बेसिकली हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आने वाला है वो कितना आएगा, वो आएगा 30,000 रुपये। तो 30,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन है सुपर प्रॉफिट कितना है, तो देखिए सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 इसी बल। तो आपको पता चल गया हमारी फर्म का जो अधिलाभ है, जो सुपर प्रॉफिट है वो कितना है, वो है 20,000 रुपीज। अब जब हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ चुका है, तो सिंपली हमारे गुडविल के फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे हमारे डेटा को। तो देखिए मैं लिख रही हूँ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, दैट इज अभी भी हमने देखा 20,000 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 × 100। तो देखिए आपको पता चला आपकी फर्म की जो गुडविल है वो है 2 लाख रुपये। ये 2 लाख रुपये बेसिकली हमने हमारे कैपिटलाइजेशन का जो सुपर प्रॉफिट बेस मेथड है उससे फाइंड आउट कर दिया। तो गाइस हम देखते हैं
आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करते हैं। तो देखिए गाइस, इसका जो स्टेप रहेगा हमारा, सबसे पहला स्टेप रहेगा कि हमें हमारे फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कुल पूंजी ज्ञात करनी पड़ेगी। और कुल पूंजी कैसे हम ज्ञात करेंगे, हम नए साझेदार का जो लाभ का हिस्सा है वो, और वो कितनी पूंजी लेकर आता है फर्म में प्रवेश के समय, उसके आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली। चलिए फर्स्ट स्टेप हमने कुल पूंजी ज्ञात कर ली, फिर हमको क्या करना है, फिर हमको कहना है फर्म की ख्याति का जो फॉर्मूला लगेगा कि हमारी जो भी कुल पूंजी हमने ज्ञात की उसमें से अगर मैं मेरे पुराने साझेदारों की जो समायोजित पूंजी है उसको घटा दूं और नए साझेदार की पूंजी भी घटा दूं तो पीछे कुछ अगर बचता है तो वो बची हुई राशि क्या है, वो और कुछ नहीं गाइस, वो आपकी गुडविल है। क्या है वो? आपकी गुडविल है, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि फर्म की टोटल कैपिटल इतनी है, इस कुल पूंजी में से अगर मैं पुराने की पूंजी भी घटा दूं, नई की पूंजी भी घटा दूं तो हमारा आंसर मिल आना चाहिए। लेकिन अगर मिल नहीं आता है तो इसका मतलब जो अमाउंट बची हुई है वो क्या है, वो हमारी ख्याति है। अब यहाँ पे समायोजित पूंजी का मतलब थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। समायोजित पूंजी का मतलब है कि जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल का जो बैलेंस है, पूंजी का जो शेष है, वो शेष प्लस अगर हमारा कोई जनरल रिजर्व है, पीएनएल का बैलेंस, बेसिकली रिजर्व जो है, अगर उस रिजर्व को नए साझेदार के प्रवेश से पहले के जो रिजर्व है उनको, उन पर अधिकार किसका है, पुराने साझेदारों का है। तो अगर ऐसा रिजर्व क्वेश्चन में है तो उस रिजर्व को भी ऐड कर देना चाहिए। अगर कोई प्रॉफिट का शेयर है तो जुड़ जाएगा, कोई हानि है तो घट जाएगी। इस तरीके से जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल आप कैलकुलेट करेंगे वो क्या है, वो समायोजित पूंजी है। नॉर्मली क्वेश्चन आपको देखकर समायोजित पूंजी दे देता है, खुद ही दे देगा। फिर देखिए आपको क्या करना है, कुल पूंजी सबसे पहले हमने कैलकुलेट की, उसमें से हम समायोजित पूंजी और नए साझेदार की पूंजी माइनस कर देंगे तो जो बची हुई राशि को गुडविल होगी। कैसे देखिए प्रैक्टिकली, बात करते हैं ए तथा बी, एक फर्म के साझेदार हैं, ओके, उनकी पूंजी क्रमशः ए की कितनी है 30,000, बी की कितनी है 20,000 है। आगे क्वेश्चन कहता है कि सी 1/4 हिस्से के लिए पूंजी के रूप में कितने रुपए गाइस 20,000 रुपए के साथ प्रवेश करता है। तो हमने देखा था कि फर्म की कुल पूंजी ज्ञात कैसे करेंगे, नए साझेदार का लाभ का हिस्सा 1/4, उसके द्वारा लाई गई पूंजी 20,000, इसके आधार पर हम फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो फर्म की कुल पूंजी क्या रहेगी, देखो हम ये कहेंगे कि जो सी है वो 1/4 हिस्से के लिए, सी 1/4 हिस्से, 1/4 के लिए कितनी पूंजी लेके आता है, पूंजी जो हमारा इसी कितने में वो हम लगा रहे हैं, सी 1/4 हिस्से के लिए पूंजी लाता है 20,000। इसका मतलब है कि मैं कहूँ अगर मेरे फर्म का पूरा प्रॉफिट
बने बनाए बिजनेस को, रनिंग बिजनेस को जब हम खरीद रहे हैं, खरीदने के लिए हमको जितना क्रय मूल्य चुका उसका मूल्य चुकाना पड़ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रय प्रतिफल कह रहे हैं। तो देखिए परचेज कंसीडरेशन मेथड में जो हमारा गुडविल का फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा, परचेज कंसीडरेशन यानी हमारा क्रय प्रतिफल माइनस उस बिजनेस की नेट असेट। नेट असेट का मतलब बिजनेस की असेट माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू नेट असेट, यानी कि हमारी क्रय प्रतिफल में से अगर मैं शुद्ध संपत्ति के मूल्य को हटा दूं फिर भी कोई अमाउंट अगर बच रही है तो वो क्या है, तो वो गुडविल है। हमारा AS-14, ये आपके द्वारा किताब से बाहर की बात है, AS-14 यानी हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है, जो ICAI ने हमारे AS दिए थे समय समय पर जारी किए थे, लेखा मानक AS-14 है आपका अकाउंटिंग फॉर हमाल कमीशन। तो एकीकरण के लेखों में उन्होंने बताया कि देखिए अगर परचेज कंसीडरेशन हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड विनियोजित पूंजी से जाता है तो वो क्या है, वो हमारी गुडविल है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यही नेट असेट है। वेल देखिए और अगर इसके अपोजिट सिचुएशन है अथवा परचेज कंसीडरेशन कैपिटल एम्प्लॉयड से कम है तो जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वो हमारा कैपिटल रिजर्व होगा। ये तो बेसिकली बात होगी कंपनीज की। अब हम आपके 12th लेवल को देखें तो देखिए 12th लेवल में आपको सिंपल सा ये छोटा सा होगा, यही आपके माइंड में होना चाहिए। गुडविल का मतलब है क्रय प्रतिफल में से अगर मैं शुद्ध संपत्तियों का मूल्य घटाऊं तो जो राशि आएगी वो हमारी ख्याति की राशि होगी। कैसे, देखिए एग्जांपल हमने लिखा, एक व्यवसाय की संपत्ति हमारे बिजनेस में जो असेट्स है 2 lakh rupees है, दायित्व जो हमारी लाइबिलिटीज है 50,000 है, व्यवसाय का क्रय प्रतिफल 1,70,000। क्वेश्चन में आपको दिया है कि जो क्रय प्रतिफल की राशि डिसाइड हुई है वो हुई है 1,70,000 रुपए, ख्याति का मूल्य क्या होगा। तो देखिए गाइस सीधी सी बात है, गुडविल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, PC होना चाहिए। तो PC परचेज कंसीडरेशन पता है हमको कितना है, 170 माइनस नेट असेट होनी चाहिए। तो नेट असेट हमको पता नहीं तो हम ले आते हैं, नेट असेट का मतलब हमारे फॉर्म की असेट यानी कि 2 lakh माइनस लाइबिलिटीज यानी कि 50,000। तो आपकी नेट असेट देखिए कितनी आ गई है, 1,50,000 यानी कि 1,50,000 रुपये क्या है, शुद्ध संपत्तियां है। और अब मैं हमारा गुडविल की हम बात करते हैं तो गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसीडरेशन 170 माइनस नेट असेट 150। तो आपको क्या मिला, आपको पता चला कि इस फॉर्म में हमारी जो गुडविल जो 20,000 एक्स्ट्रा है ये किस बात की है, ये हमारी गुडविल की है। यानी कि मैं अगर किसी बिजनेस को खरीदती हूँ 1,70,000 में और उस बिजनेस में जो संपत्तियां लगी हुई है तो उसकी जो पूंजी है वो 1,50,000 की है, तो जो 20,000 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो परचेज कंसीडरेशन की भीतर जो 20,000 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो किस बात के पे कर रहे हो, वही वो गुडविल के बाद पे कर रहे हो। उस बंदे ने जो बिजनेस आपको बेचा जा रहा है वो बिजनेस काफी समय से चल रहा है, उसको इस लेवल पे आने में जो वक्त लगा उसमें जो गुडविल जो इमेज उसने क्रिएट की उसकी जो वैल्यू है वो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, दैट इज 20,000। तो सिंपल सा आपका ये था परचेज कंसीडरेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे गुडविल के लास्ट मेथड की ओर जो की है एन्युटी मेथड यानी कि वार्षिकी विधि। तो देखिए वार्षिकी विधि के अंतर्गत हम ख्याति का मूल्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं, मैंने सूत्र लिखा गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट यानी कि हमारा अधिलाभ इनटू प्रॉफिट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब क्वेश्चन ये आएगा कि प्रॉफिट वैल्यू ऑफ एन्युटी यानी वार्षिकी का जो मूल्य है वो आप कहां से लाएंगे, तो यू डोंट वरी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में बताएगा वो लोग वार्षिकी का जो मूल्य है वो देंगे। वैसे वार्षिकी का मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला भी होता है, प्रॉफिट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू 1/(1+r)n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ इयर्स, वर्षों की संख्या, r का मतलब है आपकी रेट यानी कि दर। वेल लेकिन इस फॉर्मूले के बेस पर भी अगर आप एन्युटी कैलकुलेट करना चाहें तो आपको चाहिएगा कैलकुलेटर, बिना कैलकुलेटर ये कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल नहीं हो पाएगा एक्चुअली। और 12th लेवल पे आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना होता, इसीलिए आपको क्वेश्चन में जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है वो दी जाएगी, ठीक है। तो देखिए हमारा सूत्र गुडविल इज इक्वल टू हमारे जो सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट क्या है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो सुपर प्रॉफिट को अगर मैं मेरे एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू से यानी वर्तमान मूल्य से गुणा कर देती हूँ तो हमें मिलेगी गुडविल। अब देखिए गाइस हमने एग्जांपल लिया एक फॉर्म के
आपके माइंड में थॉट आ रहा है कि हमको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्यों दिया है, आना चाहिए, क्यों दिया है? क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट चाहिएगा। सुपर प्रॉफिट कैसे करते हैं कैलकुलेट? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। वेल, फॉर्म का वार्षिक हो सकता है 15,000, ठीक है। विनियोजित पूंजी कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख। तो गाइस क्वेश्चन आना चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों दी है? कैपिटल एम्प्लॉयड इसलिए दी है ताकि आप क्या कर सके, आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सके, जिस पर सामान्य प्रत्यय की जो दर है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है प्रॉफिट का, आपको 10% वार्षिक बताया। वार्षिक वृद्धि विधि से यानी हमारा जो एनुटी मेथड है, एनुटी मेथड से अधिलाभों के आधार पर यानी कि सुपर प्रॉफिट के बेस पर कैपिटल की राशि क्या होगी? यदि अब देखिए इंपॉर्टेंट थिंग जो हम बात कर रहे थे, वार्षिक वृद्धि मूल्य लिखना है 2.487 है, यानी 2.487 आपको क्या किया गाइस, इन्होंने कैलकुलेट बता दिया है वार्षिक मूल्य की है। तो अब देखिए हम किस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं गूगल को। तो आपको पता है गूगल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट वैल्यू ऑफ एनुटी। प्रॉफिट वैल्यू ऑफ एनुटी आपको गिवन है, ठीक है, लेकिन आपको सुपर प्रॉफिट नहीं पता। नहीं पता तो सुपर प्रॉफिट याद करिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट है नहीं, नेट प्रॉफिट का सूत्र क्या है हमारा? कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि विनियोजित पूंजी इनटू एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो गाइस इस क्वेश्चन में हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख, ओके, 1 लाख इनटू आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो 10% जब आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो कैपिटल हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10,000। चलिए ये तो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। अब बात करते हैं सुपर प्रॉफिट कितना है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन है 15,000, उसमें से अगर मैं मेरे नॉर्मल प्रॉफिट को 10,000 को घटा दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? सुपर प्रॉफिट यानी हमारे इस क्वेश्चन में, हमारे इस फॉर्म में सुपर प्रॉफिट इतना हो गया 5,000। तो चलिए सुपर प्रॉफिट तक हम पहुंच गए। हमको किस में पहुंचना है? अल्टीमेट हम पढ़ क्या रहे हैं? गूगल। तो देखिए गूगल एंड एंड हम बात करेंगे गूगल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। सुपर प्रॉफिट है आपका 5,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। क्वेश्चन कितनी है? 2.487। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो भी आंसर आने वाला है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी हमारी गूगल। अब देखिए जिसके लिए क्या आएगा, 2.487 82 और 83। इन 81